हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल माई की रसोई। तो फ्रेंड, आज हम बनाए डिश के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कुकर लेंगे। कुकर में थोड़ा तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, फिर अजवाइन मिर्ची और का तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद जब थोड़ा सा मसाले डालेंगे, मसाले डालने के बाद इन्हें थोड़ा सॉटे करेंगे। सॉटे करने थोड़ा पानी डालेंगे और उन्हें एक सीटी आने तक दम देंगे। दम देने के बाद इन्हें खोलेंगे, फिर अच्छे से इन्हें गूंथेंगे। गूंथने के बाद देखिए हमारा दाल का ग्रेवी तैयार हो गया। अब इसमें एक सॉफ्ट आटा लगाए हैं। आटा में लोहिया काटेंगे और लोहिया काटने के बाद मसाले में हम डालेंगे हरा धनिया। फिर छोटी सी लोई लेके हमारे गोल गोल लोई बनाएंगे। लोई बना के इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। भरने के बाद इन्हें हम लपेटने के बाद फिर हम इन्हें बेलेंगे। बेलने के बाद फिर हम इन्हें तवा पे डाल के दोनों तरफ से सेकेंगे। सेकने के बाद तेल से अच्छे से। और फिर देखिए हमारी गरम गरम चने दाल की पूड़ियाँ तैयार हैं।